चुपचाप खामोशी से बस साहित्य साधना करना और कलम की इस दुनिया में मस्ती से मगन रहना आजकल के कारोबारी और स्वार्थी युग में बहुत नामुमकिन सा लगता है। लेकिन सागर सियालकोटी साहब इसकी एक जिंदा मिसाल है। खुद भी कलम की साधना करना और दूसरों को भी इसका प्रोत्साहन देना उनके स्वभाव में शामिल है। हाल ही में जब नवरंग नामक संगठन ने एक मुशायरा किया तो उनसे मिलने का भी अवसर मिला। प्रस्तुत है उनसे हुई बातचीत के कुछ अंश। सियालकोटी जनरल सेक्रेटरी नवरंग लिटरेरी सोसाइटी, पिछले 20 साल तो लगभग असी इत्थे नशिश्त करवा रहे हैं और साडा इक्को ही एम है कि जिहड़े नवे आने वाले बच्चे ने वह गजल के बारे जान सकन और अदब के बारे जान सकन। अज की जिहड़ी एक खास महफल सी, ये मेरे जिहड़े दो खास मेहमान शुची भवी साहिबा छत्तीसगढ़ भिलाई तो तशरीफ लाए ने, उन्हां दी किताब दा विमोचन सी ख्वाबों की खुशबू, और दूसरी तरफ डॉक्टर हरी फैजाबादी जी, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो भी एक बहुत बड़ा नाम है अदब की दुनिया में। मैं दोनों का शुक्रगुजार हूँ और आप सबका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इन्हीं शब्दों को उससे मैं अपना